आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 2047 में एक विकसित भारत हमें तैयार करना है, और विकसित भारत की परिकल्पना क्या है? विकसित भारत की परिकल्पना ये प्रभु श्री राम के राम राज्य जैसी है, जहां पर अंतिम व्यक्ति को भी वही स्थान होगा जो राजा को स्थान होगा, अंतिम व्यक्ति की बात भी उतनी ही सुनी जाएगी जितनी राजा की सुनी जाएगी, और राजा और अंतिम व्यक्ति इनमें कोई भेद नहीं होगा, ऐसा राम राज्य इस देश में कायम करना, यही मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी की प्राथमिकता है। और आज इस सारे वातावरण में जब 22 जनवरी को हम गुलामी की एक और निशानी को मिटाकर फिर एक बार श्री राम लला को उनके जन्म स्थान पर प्रस्थापित करने जा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही भावुक ऐसा क्षण है, क्योंकि जिसके लिए हजारों युद्ध लड़े गए, जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई, आज उसी मंदिर को, रामलला के मंदिर को फिर एक बार उसका पुनर्निर्माण यहां पर हो रहा है, और हमारे देश के सारे संतजन वहां पर उपस्थित हो गए। मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन का एक विश्वरूप हमें राम मंदिर के इस पुनर्निर्माण में देखने को मिलेगा, और हम सभी लालयित हैं उस मौके को देखने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई शुरुआत 22 जनवरी से हमारे आत्मविश्वास की होगी, और मेरा विश्वास है कि इसके बाद हमको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। और ऐसे में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो विद्या लक्षाचल यज्ञ यहां पर हुआ है, ये भी इसी महायज्ञ की कड़ी है कि जिसमें हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति सारे प्रकार के विचारों के प्रदूषणों को दूर करने का काम हम लोग। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।